हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न फ्लाई। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट 9 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला वर्ड क्या आपका होज, होज का हिंदी होता है क्या आपका जीसीएम। अगला वर्ड क्या आपका फॉर होम, फॉर होम का हिंदी होता है किसके खातिर। अगला वर्ड आपका फॉर हॉट रीजन, फॉर हॉट रीजन का हिंदी होता है जिस कारण से। अगला वर्ड है आपका फॉर व्हिच, फॉर व्हिच का हिंदी होता है किस लिए। अगला वर्ड है आपका एनी टाइम, एनी टाइम का हिंदी होता है कभी ना कभी। अगला वर्ड है आपका हिजहार, हिजहार का हिंदी होता है उनका, उनके या फिर उनकी या फिर उसका, उसकी। अगला वर्ड क्या है आपका फॉर हिम, फॉर हिम का हिंदी होता है उनके लिए। अगला वर्ड आपका ही या फिर सी, दोनों का हिंदी होता है वहाँ। अगला वर्ड है आपका हिम या फिर हार, हिम और हार दोनों का हिंदी होता है उसे। अगला वर्ड क्या है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न का हिंदी होता है उसी कारण से। अगला वर्ड है आपका बिकॉज ऑफ दोज रीज़न, इसका हिंदी होता है उन्हीं कारणों से, बिकॉज ऑफ दोज रीज़न का हिंदी होता है उन्हीं कारणों से। अगला वर्ड क्या है आपका दोज डेज, दोज डेज का हिंदी होता है उन्हीं दिनों। अगला वर्ड क्या है आपका ऑन हिम, ऑन हिम का हिंदी होता है क्या उन पर। अगला वर्ड है आपका हिज हार देयर, हिज हार देयर तीनों का हिंदी होता है क्या उनका या फिर उनकी। अगला वर्ड क्या है आपका हिम, हिम का हिंदी होता है उसे। अगला वर्ड है आपका फ्रॉम हिम या फिर हार, दोनों का हिंदी होता है क्या आपका उनसे। अगला वर्ड क्या आपका फ्रॉम दोज मैटर्स, फ्रॉम दोज मैटर्स का हिंदी होता है उन बातों से। अगला वर्ड है आपका होम, होम का हिंदी होता है जिन्हें। अगला वर्ड है आपका हो का हिंदी होता है जो या फिर जो भी। अगला वर्ड है आपका हु सो एवर का हिंदी होता है जो कोई भी। अगला वर्ड है आपका ईट या फिर दिस, दोनों का हिंदी होता है इससे। अगला वर्ड है आपका दिस रीजन, दिस रीजन का हिंदी होता है इस कारण। अगला वर्ड क्या है आपका ऑन दिस या फिर ऑन इट, दोनों का ही हिंदी होता है इस पर। अगला वर्ड है आपका सो या फिर देयर फॉर, सो और देयर फिर दोनों का ही हिंदी होता है इसीलिए। अगला वर्ड है आपका ऑन दिस मैटर, ऑन दिस मैटर का हिंदी होता है इस बात पर। अगला वर्ड है आपका व्हेन, व्हेन का हिंदी होता है जब। अगला वर्ड है आपका व्हेनेवर, व्हेनेवर का हिंदी होता है जब कहीं, जब जब भी या फिर जब कभी। व्हेनेवर का तीन हिंदी होता है, तीन क्या, जब जब कहीं, जब भी या फिर जब कभी। अगला वर्ड क्या आपका दोज पीपल, दोज पीपल का हिंदी होता है जो लोग। अगला वर्ड है आपका फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन का हिंदी होता है जब से। अगला वर्ड क्या आपका व्हेन हिम या फिर हार, दोनों का ही हिंदी होता है जब इनको या फिर जब उनको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम भी कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।